दोस्तों हैमस्टर कॉम्बैट ने फाइनली हमारी बात सुन ली। अभी से दो दिन पहले हैमस्टर के अंदर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था प्लेग्राउंड का, जिसके अंदर आपको थर्ड पार्टी गेम्स को डाउनलोड करना पड़ता था। उसके अंदर बहुत ज्यादा एड्स चलती थी और इतनी घटिया ग्राफिक्स की गेम थी कि उसको आपको की को रिसीव करने के लिए कम से कम एक घंटा अपना गेम के अंदर खराब करना पड़ेगा। तो इसको हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, मैंने ट्वीट डाली इसके ऊपर पूरी लिख की और साथ में यूट्यूब वीडियो भी बनाई और आप लोगों को बोला ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। हमने हैमस्टर कॉम्बैट को बॉयकॉट करने की बात की कि ये बहुत घटिया है, ये यूजर को एक्सप्लोइट किया जा रहा है। तो फाइनली यहां पे हैमस्टर की तरफ से अपडेट आ चुका है और मुझे खुशी इस बात की है कि सिर्फ दो दिन के अंदर अपडेट आया। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि मेरे लिए कम्युनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कम्युनिटी के साथ कुछ भी गलत होएगा तो हम उसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। हमने आवाज उठाई और यहाँ पे हैमस्टर ने सुन भी लिया है और कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पे इन्होंने अपडेट किए हैं कि यहाँ पे आपको प्लेग्राउंड सेक्शन में गेम्स खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है एयरड्रॉप रिसीव करने के लिए, और भी कुछ मेजर अपडेट है। और सिंपल सी बात है, इनके लिए यूजर्स ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। अगर इनके पास यूजर नहीं होंगे, यूजर इनको बॉयकॉट करेंगे, स्कैम बोलने लगेंगे, तो फिर इनके गेम की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, इनके प्रोजेक्ट की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तभी आप लोगों को बोलता हूँ, आपको जो भी चीजें गलत लगे आप कमेंट्स के अंदर मेंशन किया करो, कोई भी क्वायरी हो, क्योंकि आप खुद से जाके ये चीजें कि उनसे बात नहीं कर सकते हो, इतनी बड़ी कम्युनिटी है। तो हमारा चैनल एक मीडियम बन जाता है और मैं ट्राई करता हूँ कि सब चीजें आप लोगों के साथ बेस्ट हो, इतना टाइम आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसमें फायदा हो। अभी से एक घंटा पहले ही अपडेट आया और मैं आपको वन बाय वन सब चीजें बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने मेंशन की है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले न्यू प्लेग्राउंड सेक्शन के बारे में और हम उसके बारे में एड्रेस करना चाहते हैं। इन्होंने बोला कि गेम का कोई भी सेक्शन आपके लिए मैंडेटरी नहीं है खेलना, बट जितने ज्यादा एक्टिविटीज आप करोगे गेम के अंदर उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा बड़ा एयरड्रॉप रिसीव करने के लिए, ताकि ये डिफरेंशिएट कर सके कौन बॉट प्लेयर्स है और कौन रियल प्लेयर्स है। बट इन्होंने बोला कि अगर आप प्लेग्राउंड सेक्शन प्ले करना चाहते हो तो करो, वरना इसमें कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। बस आपको टोन वॉलेट कनेक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि टोन वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है, और आप लोगों ने कर भी लिया होगा तो टोन वॉलेट कनेक्ट करना जरूरी है। उसके सिवा आप गेम खेलो ना खेलो वो आपके ऊपर है, उसके सिवा बाकी एक्टिविटीज आप कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कि साइफर कोड, डेली कॉम्बो कार्ड, पजल की, उस सब की अपडेट टेलीग्राम के ऊपर आपको मिलती रहती है। क्योंकि थोड़ी एक्टिविटीज आप अगर बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप इसमें बोट हो जाओगे और आपको कम से कम एयरड्रॉप मिलेगा। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि बट वी वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट वी हियर योर फीडबैक, कि हमें पता लगा है कि हम इस तरह की हैवी एड्स वाली गेम अब उस सेक्शन के अंदर नहीं डालेंगे, इंस्टेड हम ऐसी गेम्स डालेंगे जो कि यूजर इंजॉय करे प्ले करना, और वो भी मैंडेटरी नहीं है, वो भी आपके ऊपर है। तो इन्होंने दो दिन के अंदर ये चीज अपडेट कर दी, जो कि मुझे बढ़िया लगा कि अपने यूजर्स की वैल्यू कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बोला कि हर यूजर को एयरड्रॉप मिलेगा, बट जिसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी उसको थोड़ा ज्यादा एयरड्रॉप मिलेगा। और यहां पे इन्होंने ये चीज बताई कि नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एयरड्रॉप, जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि ये बहुत टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि हैमस्टर का एयरड्रॉप आज तक का सबसे बड़ा एयरड्रॉप हो सकता है। ये चीज इन्होंने मेंशन की है क्योंकि हैमस्टर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 250 मिलियन की कम्युनिटी इनकी बन चुकी है और ये ट्राई कर रहे हैं कि सभी यूजर्स को एयरड्रॉप मिले और बेस्ट पॉसिबल वे में ये एयरड्रॉप को कंप्लीट कर सके। इसके लिए इन्होंने बोला कि टोन ब्लॉकचेन के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो उसकी वजह से इनकी ब्लॉकचेन भी हैंग हो सकती है, जो कि डेफिनेटली ब्लॉकचेन नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो हो सकता है। अगर एक साथ सब लोग क्लेम करेंगे, एक साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कैसे जल्दी से क्लेम करके आपको अपने टोकन सबसे पहले सेल करने हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आज ही दिन में अपलोड किया, वो आप चेक कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि कैसे आप हैमस्टर कॉइन क्लेम करते 10 सेकंड के अंदर अपने कॉइन्स को सेल कर सकते हो। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो काफी हेल्प करेगा उसके अंदर। बाकी इसमें आप अपना टोन वॉलेट कनेक्ट करके रखो और डेली एक्टिविटीज कंप्लीट करते रहो, ताकि आपको एयरड्रॉप मिलने के ज्यादा चांसेस हो। और कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट्स में मेंशन किया करो, क्योंकि मेरा काम है इसके बारे में ट्वीट करना, वीडियो बनाना, बट उसको आगे तक लेके जाना, रीट्वीट करना, कमेंट शेयर करना, वो आप लोगों का काम है। जितने ज्यादा एक्टिव रहोगे उतनी ज्यादा आपकी बात सुनी जाएगी। हम ट्राई करेंगे कम्युनिटी के साथ कुछ भी गलत ना हो और बढ़िया से बढ़िया एयरड्रॉप आप लोगों को मिल सके। इसलिए कोई भी चीज हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रख लो, कोई भी मेजर अपडेट आती है आपको सबसे पहले यहां पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।